तो भाई आ गई अपनी गाड़ी यहाँ पर, देखो जल्दी आ गई, रोड होके क्यों आ रही है। ये प्लेट के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं चॉकलेट यहाँ पर है और यहाँ पे मसाला चाय है। तो ये आ गया ब्रेकफास्ट अपना, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलने वाला है हमें। ये देखो मदर डेरी वाली आइसक्रीम मिली है हमें, कप वाली नहीं होती जो, ये देखो 128 29 30 बड़ 31। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा पर। फिलहाल मैं वैष्णो देवी खड़ा हूँ, श्री माता वैष्णो देवी के धाम, तो जय माता दी। मेरे पीछे आप देख सकते हो वंदे भारत खड़ी है, हम दिल्ली से आए हैं वैष्णो माता के धाम वंदे भारत में। वीडियो पे मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, आप दिल्ली से अगर आ रहे हो वंदे भारत के द्वारा श्री माता वैष्णो देवी के धाम, तो आप कैसे आ सकते हो, क्या क्या सुविधा आपको मिलेगी वंदे भारत में, खाने के लिए क्या मिलेगा, ट्रेन का समय क्या रहेगा, ट्रेन में कितने रुपए लगने वाले हैं, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही में रास्ते का जो नज़ारा होता है जब आप जम्मू से आगे आते हो, वो नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर अगर आप आए हैं पहली बार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको श्री माता वैष्णो देवी की पूरी वीडियो मिलेगी, हम दर्शन आपको करवाएंगे जितना हमसे हो सकेगा। तो चैनल पर आए तो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं और दिल्ली में मिलते हैं, मतलब अभी हम वैष्णो देवी पहुंच चुके हैं, पर वीडियो की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। तो चलिए शुरू करते हैं, जय माता दी। दोस्तों हम आ चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, ये आप देख सकते हैं सामने। तो आइए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर 14 पर हमारी जो है ट्रेन आने वाली है श्री माता वैष्णो देवी के लिए वंदे भारत। आइए चलते हैं, 6 बजे की ट्रेन है। तो न्यू दिल्ली आप ना भाई ऑटो के थ्रू कैब के थ्रू आ सकते हो, अपनी कैब वगैरह बुक करके। तो हमारी कैब ये सामने खड़ी है, इसी से हम आए हैं। तो ये देख सकते हैं आप, बाकी यहाँ भी देखो काफ़ी सारी कैब वगैरह खड़ी है, गाड़ियाँ खड़ी है काफ़ी। चलो चलते अंदर चलते। तो अभी हम खड़े हैं ना, ये टैक्सी स्टैंड रहने वाला है अजमेरी गेट का। तो अजमेरी गेट की साइड है हम, और दूसरी साइड जो है ना पहाड़गंज की साइड हो जाता है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 है ना हमारा, तो अजमेरी गेट की जो अजमेरी गेट के मतलब ये पास पड़ेगा। अगर हम पहाड़गंज के पास से आते हैं तो वहाँ प्लेटफॉर्म 1 2 3 ये सब वहाँ से पास पड़ता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 है तो हम इसलिए इस साइड आए हैं। आइए चलते हैं, वहाँ से एक बार प्लेटफॉर्म कन्फर्म भी कर लेते हैं चल के, वो स्क्रीन चल रही है ना। तो ये आप देख सकते हैं 24439 वंदे भारत यहाँ पर 6 बजे आने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म 14 पर आ चुके हैं, अपनी ट्रेन लग रही है, चलिए चलते हैं, अब नीचे पहुंच ही रहे हैं बस। एक वंदे भारत वहाँ सामने लग गई है, ये रही देखो अपनी भी यहाँ पर आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। ये देखो ये लिखा 2249। ये देखो भाई यार इस तरीके से घिरा रहे, ये नहीं समझ में आ रहा इसका क्या लॉजिक है। तो भाई ये आ गई अपनी गाड़ी यहाँ पर, देखो आगे लिखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। जल्दी आवे, रोड के क्यों आ रही है। वंदे भारत। खुल गया भाई अपनी ट्रेन C1, तब मतलब गेट खुल गया ट्रेन का। चलो चलते अंदर, देखते कैसी रहने वाली है। चलो भाई चलो चलो, एंड का डब्बा मिला है बिल्कुल। चलो चलो चलो, अरे बैग फंस गया, ये भी इसमें पड़ दिया जा रहा है सुबह सुबह अभी। हमें अपनी सीट पर सामान वगैरह लगा लिए हैं, तो अब देखते हैं पूरा, देखो ये पूरा रहने वाला है। C1 के अंदर हम आए हैं और यहाँ बीच में हमारी सीट रहने वाली है। चलो दिखाता हूँ, ये देखो हिमांशु भाई बैठे सामने, तो न्यूज़पेपर आपको मिलता है सुबह सुबह के टाइम में जो है, और यहाँ ऊपर हमने अपने बैग वगैरह रख दिए हैं। यहाँ देखो ये वाली आप सीट देख रहे हो, ये रहने वाली है रिजर्व फॉर डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए रहने वाली है ये वाली सीट। बाकी देखो यहाँ इस तरीके से पूरा है, और देखो अगर आप यहाँ सिटिंग करते हो बैठते हो तो यहाँ बोतल रखने के लिए आपके लिए, और यहाँ अगर आप खाना वगैरह खाते हो उसके लिए पूरा निकल जा भाई निकल जा। ये देखो पूरा यहाँ पे खाना रखो अपना, खाओ खाना यहाँ पे, बोतल वगैरह रखो, कुछ सामान रखो यहाँ पे, बोतल होल्डर रखा हुआ है ये देखो लगा है यहाँ पर, और न्यूज़पेपर का तो मैंने आपको बताया था, और हमारी सीट जो है ना वहाँ टेबल भी है आगे। ये वाली देखो ये हमारी पूरी रहने वाली है सीट, हमारी सीट के आगे यहाँ पे टेबल भी अटैच्ड है, और यहाँ लिखा है देखो चार्जिंग पॉइंट की अगर बात करें
जो थ्री सीटर है ना उसमें यहाँ इस तरीके से रहेगा, टू सीटर में यहाँ रहेगा। दिखाता हूँ, देखो ये रहा टू सीटर है हमारा, यहाँ नीचे चार्जिंग पॉइंट रहेगा इधर। तो भाई न्यूज़ पेपर देखो हमें मिला था नहीं, मानसोई पढ़ने भी लग गए। पढ़ो भाई न्यूज़, पढ़ो मुझे बताना बाद में फिर। ठीक है भाई। भाई 6 बजे अपनी ट्रेन चलने वाली है। टाइम की बात करें तो क्या हो गया, टाइम 53 हो रहे हैं, 5:53। अरे दिख ही नहीं रहा इसमें तो, 5:53 हो गया भाई। तो बस 7 मिनट में अपनी ट्रेन चलने वाली है। बाकी देखो यहाँ पर कर्टन्स लगे हुए हैं, ये इसको हम बंद कर सकते हैं नीचे करने एक बार, बट इसको बंद ना ही करें तो ये अच्छा नज़ारा देखते हो जाएंगे भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। गाड़ी चलने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। कृपया यात्रीगण अपना अपना ध्यान रखें और अन्य यात्री जो आए गाड़ी उतर जाए दरवाजे ऑटोमेटिकली बंद हो गए। धन्यवाद। तो भाई अपनी जो गाड़ी अभी स्टार्ट होने वाली है, 1 मिनट रह गया केवल, तो अनाउंसमेंट हुई है जो भी मतलब छोड़ने के लिए अपने रिलेटिव्स को आए हैं वो उतर जाए, क्योंकि गेट जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे ना फिर। सुबह भी होने लगी है बस और ये बंद अब होगी अपनी गाड़ी चालू। या फूड वगैरह, फूड का सेक्शन ये पूरा रहने वाला है। फूड जो है 6:30 बजे में पहला मिलेगा ब्रेकफास्ट। दरवाजे बंद हो रहे हैं। लो जी चल गई अपनी गाड़ी अब। बाय बाय दिल्ली, मिलते हैं 5 दिन बाद। तो भाई अपनी गाड़ी तो स्टार्ट हो चुकी है ना, टॉयलेट में चलते हैं। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह आपको दिखाता हूँ, विजिट कराते हैं एक बार। तो भाई आओ वॉशरूम दिखाता हूँ, चलो आप। इस तरीके से गेट ओपन होता है, अपनी सीट रहने वाली है यहाँ पर। और ये देखो यहाँ पे वॉश करने के लिए हैंड ड्रायर, यहाँ पे सोप वगैरह। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वेस्टर्न स्टाइल, तो वेस्टर्न स्टाइल में पूरे ये टॉयलेट बनाया हुआ है इन्होंने, अच्छा है काफ़ी, साफ सुथरा भी, हाइजीन है। यहाँ पे देखो भाई लॉक है वो किस तरीके से बंद होता है ना वो बताता हूँ। ये देखो इसको खींचा और ऐसे कर दिया। अब जो है ना बाहर से दिखाता हूँ तब आप सबको समझ में आएगा। ये देखो इसको क्या है ना, मतलब ये यहाँ पे देखो ग्रीन है और तब ये पास आएगा और तब अंदर से लॉक हो जाएगा, नहीं रेड हो जाएगा। अंदर से जाके बंद करके दिखाओ एक बार, अंदर से बंद करना, ठीक है। तो ये जो ग्रीन है ना ये रेड हो जाएगा जब अंदर से इसको बंद करते हैं। ये देखो ग्रीन है पूरा और ये देखो रेड हो गया, तो मतलब लॉक है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर, देखो ये इस तरीके से आप यहाँ पर करो, आराम से फ्रेश हो लो। तो चलो भाई अपनी सीट पर अब चलते हैं। अभी जो है पानी की बोतल मिलेगी हमें सबसे पहले, उसके बाद ब्रेकफास्ट मिलेगा, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा तभी दिखाता हूँ, और उसके बाद थोड़ी और चीज़ें मिलेगी, दिखाता हूँ सब कुछ। तो इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ आप किस तरीके से जा सकते हैं श्री माता वैष्णो देवी वंदे भारत के थ्रू दर्शन करने के लिए। तो आइए मैं अपनी सीट पर बैठता हूँ और जो भी होता है जैसे होगा सब दिखाते रहूँगा। तो ये आगे सबसे पहले अपनी पानी की बोतल IRCTC की ही होती है ये भी पूरी, ये मिल गया पानी, रेल नीर लिखा होता है इस पर, नीर मतलब जल पानी। एक कोच से दूसरे कोच में आप जाओगे ना तो इस तरीके से गेट है ट्रांसपेरेंट, जो कि सेंसर बेस रहता है पूरा। ये देखो ये मेरा जिस कोच में हमें वो था वो एक दूसरा कोच है वहाँ पर, तो ये पूरे में गेट लगे रहते हैं, सेंसर बेस होता है पूरे। दोस्तों सामने का व्यू देखो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और हमारी प्लेट आ चुकी है यहाँ पर, ये प्लेट के अंदर यहाँ आप देख सकते हैं चॉकलेट यहाँ पर है और यहाँ पर मसाला चाय है। बाहर देखो कितना फॉग है यहाँ पर। और भी आपको ना वंदे भारत में जो है फ्री वाईफाई भी मिलता है, ये देखो दिखाता हूँ किस नेम से है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिव मीडिया वाईफाई VOD 2G और 4G में ही रहता है। चलो देखते हैं भाई नेटवर्क आ रहे कि नहीं आ रहे, YouTube ओपन करके देखते हैं। ये रहा YouTube, नेटवर्क थोड़े से स्लो है भाई, स्लो क्या आ ही नहीं रहे, YouTube ओपन ही नहीं हो रहा। नो नेटवर्क, देखो नो नेटवर्क लिखा हुआ है। ये देखो चाय के लिए यहाँ पर गर्म पानी मिल गया। इट्स टी टाइम, वंदे भारत, फॉर आई सजेशन एंड कंप्लेंट फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। तो बनाते हैं अपनी चाय, यहाँ पर ये रहा मसाला चाय का पाउडर और ये गर्म पानी, बिस्किट्स। तो भाई बना लेते हैं अपनी चाय, चलो अब। अरे अरे स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो रहा है भाई साथ में, पूरा पाउडर है भाई ये।
और ये साथ में एक स्टिक मिली है मिक्स करने के लिए इसको। यहाँ पे देखो ये चाय का स्टेबिलिटी टेस्ट भी हो रहा है साथ में ही, हिल रही है काफी। मुझे लग रहा है हाँ उतना नहीं हिल रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर तक होता ना तो बाहर निकल के गिरती है ना। भाई ये तो है। पानी कम मिल रहा है यार, यार मेरे को पानी कम दिया है, पानी कम दिया है इसलिए कम हिल रहा है। तो मैंने नहीं पिया है। ये देखो भाई हिल रही है काफी। तो भाई टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा रहने वाला है चाय का और बिस्किट्स का। ठीक है एवरेज है। ये जो हमें बिस्कुट मिले थे ना ओट्स के थे। ये देखो देखो एक चीज़ मैं दिखाना रह गया था, ये देखो लाइट ऑन हो गई, ऑफ हो गई, प्रेस करना होता है इस पर, ऑफ साइड वाली करना, दूसरी करो 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 करो, ये देखो इस तरीके से लाइट लगी हुई है। तो भाई 7:42 हो चुके हैं और हमारा ब्रेकफास्ट आ रहा है। ये बाहर जो है कुरुक्षेत्र आ गया, ये देखो निकल गया। ये देखो हमारा ब्रेकफास्ट, तो ये आ गया ब्रेकफास्ट अपना, देखते ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलने वाला है हमें। ये लो भाई आ गया, इसको ओपन करना होगा भाई, अंदर है ऐसे खाने में बिना ओपन करे। ये आपको चोको पाई मिल गया, सैंडविच है यहाँ पे, कर्ड, दही। तो अब बारी आ चुकी है भाई ये ओपन करने की, ओपन नहीं पहले देखते कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है टोटल आइटम जो है अपने पास। तो देखते हैं क्या क्या है। चोको पाई है और यहाँ ऊपर देखो ओरिजिनल लिखा हुआ है, ओरिजिनल है ये। ये कर्ड तो मैंने बता दिया था, सैंडविच है यहाँ पर, ये सबके ऊपर वंदे भारत लिखा हुआ है, सैंडविच मिलेगा हमें। बाकी इसके अंदर क्या है, यहाँ से ओपन करते हैं, इसमें देखते हैं क्या रहने वाला है। हट जा भाई हट जा। सब्जी सी लग रही है इसमें, गरम गरम है काफी, कटलेट है ये, तो कटलेट है देखो इसके अंदर, गरम गरम है भाई, फ्रेश रेडी हो गया है अभी अभी, खा के इसका रिव्यू भी देंगे आपको, बताएंगे टेस्ट कैसा है इसका। और इसके अंदर कुलचे आए हैं इसमें, तो इसमें छोले ही होंगे फिर तो, अचार तो देंगे नहीं भाई कुलचे के साथ। हिल बना रहा है ये छोले हैं भाई इसमें, चलो खाते हैं फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है। बाकी यहाँ पर हमें ये एक मिलता है, इसमें स्पून है, वो देखो स्पून है वहाँ पे, वुड की रहने वाली है जो कि। बाकी एक सॉस है यहाँ पर टॉप्स की। तो भाई सबसे पहले ना छोले कुलचे खा लेते, तुम क्या खा रहे हो? छोले कुलचे। छोले कुलचे भाई। तो छोले कुलचे ट्राई करते हैं सबसे पहले। तो भाई मुझे तो ठीक लग रहा है, काफी अच्छा है टेस्ट इसका, अच्छा लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है मंस भाई? भाई बढ़िया टेस्ट है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। और सामने मैम है, इनसे भी थोड़ा रिव्यू लेते हैं, आपको कैसा लग रहा है, आपने क्या टेस्ट करा है अभी? कुलचे और सैंडविच आप ओपन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? छोले कुलचे खाए हैं और कटलेट मैंने फिनिश कर दिया। मुझे छोले थोड़े ज्यादा अच्छे नहीं लगे, लेकिन कटलेट वाज ऑसम। अच्छा जी, तो भाई कटलेट की बारी आई नहीं है, ये बता रही काफी बढ़िया है कटलेट। तो छोले कुलचे मुझे तो ठीक लगे, इनको थोड़ा ठीक नहीं लगे, छोले मुझे ठीक लग रहे, बाकी टेस्ट टेस्ट की बात होती है सारी। तो ब्रेकफास्ट में अपना जूस भी आ गया यहाँ पर, कौन सा है, एप्पल है, बैनिया। तो ये अपना एप्पल जूस आया है और ये जो है मतलब चिल्ड नहीं है, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चिल्ड पीना भी नहीं था। तो मैं चिल्ड पीना था क्या? नहीं नहीं, मेरे लिए तो बढ़िया भाई। अच्छा आपको ठंडा पीना था, लेकिन ठंडा जूस अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, तो भाई ये कह रही है गला खराब है बट पीना ठंडा ही था, तो मुझे तो गर्म पीना था, मेरे लिए ठीक है, गर्म नहीं होता मतलब जैसा है नॉर्मल। तो भाई छोले खत्म हो गए, और मिल जाएंगे क्या छोले? नहीं मिलेंगे। और अच्छा भैया दे रहे हैं उधर पर, तो बहुत है भाई साहब। अरे अरे जितने चाहे उतने ले। नहीं आपसे नहीं, मैं कह रहा रेलवे वाले देंगे। और अरे रेलवे वगैरह सब ले लेंगे, अपना नाम भी मोदी है। ना ना आप लोग कोई नहीं, कोई नहीं यार, चिंता मत करो आप। कोई नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, नहीं लीजिए भाई। तो भाई देखो लोग छोले भी दे रहे हैं, कुलचे भी दे रहे हैं, वो मैम ने ले लिया। छोले कुलचे पर फोकस करो, ना ना पेट भर गया। कोई नहीं कोई नहीं भैया, बोले सब ले जाओ हमारा। तो अब बारी है कटलेट की, कटलेट खाते हैं। ट्रेन की पूरी तरह से रुकने के बाद भी सावधानी से उतरें। अब बारी आ गई सैंडविच की, ये भी खाते हैं। कटलेट भी अच्छा था, लेकिन मैं सूट में लगाऊ ना तो थोड़ा ठंडा हो गया था। ये ओपन कर लिया मैंने सैंडविच, चलो खाते हैं। तो भाई अम्बाला पहुंच चुके हैं अभी हम, खाना खाते खाते पहुंच गए अम्बाला, 8:08 पर पहुंचे अम्बाला जो है। तो ये खाते हैं भाई अब चोको पाए,
और ये जो एप्पल जूस मिला था मैं वो ये रहा, कितने रुपए का है वैसे? ये MRP लिखी 30 रुपए लिखा है, 30 रुपए MRP है भाई इसकी। मतलब ये जो है ओरिजिनल चीज़ें हैं, बाहर की ही, मतलब इंडिया रेलवे का नहीं है, ये बाहर की चीज़ें हैं सब। अभी देखो ट्रेन की स्पीड की बात करें तो 128 किलोमीटर पर आवर चल रही है, ये देखो, ये देख सकते हो चेंज हो रहा है यहाँ पर। अभी जो है 135 तक चले गया था, अभी 128 हो गया। ये देखो 128, 29, 30, बड़ 31 और 32, 33 और बढ़ ऐसा लग रहा है स्कोर बढ़ रहे हो जैसे मैच में। बढ़ जा भाई, चलो 131 पर टक गया भाई, 30 हो गया। तो ये देखो अंबाला से काफ़ी आगे निकल चुके हैं हम, व्यू भी काफ़ी अच्छा लग रहा है किस तरीके से। असली व्यू तो भाई तभी आएगा जब पहुंचने वाले होंगे हम पहाड़ों का व्यू। तो भाई मैंने आपको ये दिखाया था यहाँ पे वॉशरूम, आप ये पीछे देख रहे हो, ये जो है फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए है। यहाँ पे दो वॉशरूम और है, वो भी दिखा दो एक बार चलकर। वो वॉशरूम जो है लेकिन अगले वाले कोच में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रहने वाला है वेस्टर्न स्टाइल में, और यहाँ देखो ये है इंडियन स्टाइल में। और दोस्तों एक और चीज़ मैंने नोट करी, मैं बैठे बैठे थक गया, मैंने सोचा इसको थोड़ा टर्न कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो ये जो सीट है ना, मतलब सेमी स्लीपर नहीं है, रिक्लाइनिंग नहीं है, जैसे सेमी स्लीपर बसेज में होता है आराम से बैठ जाओ उस तरीके से, वो नहीं है, रिक्लाइनिंग नहीं है बिल्कुल भी। मैंने देखा कोई बटन है ही नहीं यहाँ पर, होना चाहिए था बट कोई नहीं। तो भाई जम्मू तावी आ गया, और देखो यहाँ पे हमारा खाना भी आ गया, ये रहा लंच आ चुका है, ये जम्मू तावी, ये लंच। तो दोस्तों अब मैं आपको जम्मू तावी से कटरा के बीच का रास्ता दिखाऊंगा, जो कि पहाड़ों का बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, वो नज़ारा देखते तो आपका दिल मोहित हो जाएगा। तो आइए खाना दिखाता हूँ, खाने में क्या क्या है, और फिर पूरा नज़ारा भी दिखाऊंगा। काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ जम्मू तावी पर, तो देखो वीडियो बना रहे लोग वंदे भारत की, बाहर से रील वगैरह बना रहे। और थोड़ा ना 20-25 मिनट लेट चल रही है ट्रेन, देखते क्या पता बीच में खींच दे जम्मू तावी। तो भाई ये आ गए यहाँ पर अपना खाना देखते हुए, क्या क्या इसमें रहने वाला है। ये रोटी है, बाकी यहाँ पे 4 बॉक्सेस है, ये तो दही देखो फिर से आई है मदर डेयरी वाली, बाकी इसमें पिकल है यहाँ पर, पिकल है यहाँ पर, और इसके अंदर देखते क्या रहने वाला है। यहाँ से ओपन करते हैं, चलो। ये चावल लग रहे हैं क्योंकि हल्का है थोड़ा, ये मेरे को चावल लग रहे हैं, खोल के देखते हैं बाकी। तो ये हाँ सही बोला था मैंने, इसमें देखो राइस है, ये है राइस, और आगे ओपन करते हैं अब। इसमें शायद पनीर की सब्जी होगी, अरे वो सामने खा रहे हैं ना, उससे देख के बोल रहा हूँ। पनीर है भाई इसके अंदर, ये देखो पनीर की सब्जी, और इसके अंदर जो है रोटी, और इसमें देखते क्या है, वहीं से दिखा दो। ये मिक्स वेज है, इसमें मिक्स वेज रहने वाला है। अच्छा उसमें है क्या मिक्स वेज, ये क्या है फिर दाल? अच्छा दाल, दाल चावल के लिए है, और ये वाला मिक्स वेज रहेगा। ये देखो ये मिक्स वेज है, चलो भाई खाते हैं फिर इसका भी टेस्ट बताऊंगा आपको। और काफ़ी सब्जी है इसके अंदर, मतलब 2-3 मिलाई हुई है। ये क्या है? अच्छा ये नमक वगैरह है, देखो सॉल्ट वगैरह मिला है, बाकी ये वही लकड़ी वाली चम्मच है, और नीचे टिशू है। खाना तो भाई काफ़ी टेस्टी लग रहा है मुझे, अच्छा है सारा ही खाना। रोटी चावल तो फिलहाल खाया नहीं, दाल चावल नहीं खाया अभी, रोटी और ये पनीर की सब्जी, आलू मिक्स वेज, पिकल, दही, सब बढ़िया लग रहा है ना, टेस्टी है ना खाना, बहुत टेस्टी, नो डाउट। हाँ तो भाई खाने का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि नज़ारा देखो, खाने का स्वाद बढ़ गया है मसाले के साथ देख देख के। वहाँ तो और भी है सुंदर है भाई उस साइड, ओ भाई कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ है वहाँ उस साइड, तो 1322 फीट है ये पहाड़ का। हाँ अच्छा जी, पिछली बार आते चढ़ के गए थे। अच्छा चढ़ गए थे इसके ऊपर से। तो भाई अभी हम जो है टनल के अंदर चल रहे हैं, 1 मिनट से ऊपर होकर टनल खत्म ही नहीं हो रही है, अब देखते टनल खत्म होगी तो कैसा व्यू देखने को मिलेगा, वेट करते हैं। मेरे को तो
देखते भाई व्यू आता है कि नहीं। ये देखो मस्त है। तो भाई खाना खा लिया, काफी टेस्टी था खाना। अब भाई बाहर का नजारा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। वादियां दिखाओ, वादियां। ये देखो वादियां, हीरो राजा यहीं मिले थे। ये देखो ग्यारहवीं टनल है भाई। तो भाई यहाँ से हम नजारा देख रहे हैं, बहुत ही अच्छे नजारे आ रहे हैं। और यहाँ से आइसक्रीम आ गई, देखो मदर डेयरी की आइसक्रीम है कप वाली। वाओ, ये देखो मदर डेयरी वाली आइसक्रीम मिली है हमें, कप वाली नहीं होती जो, कौन सा फ्लेवर है, वैनिला है। तो भी देख सकते हैं हम पहुंच गए माता वैष्णो देवी के धाम। वो आप देख रहे हो ये वाइट, ये है अर्धकुंवारी, माता का भवन ऊपर है वहाँ। दोस्तों अपनी ट्रेन से हम बाहर निकल चुके हैं, देखो सारे लोग वंदे भारत के साथ फोटो ले रहे हैं, ये देखो भाई। तो उम्मीद है भाई आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी जानकारी मिली होगी वंदे भारत की। अरे भाई हमें भी फोटो वीडियो ले रहे दो। तो दोस्तों इस वाली वीडियो का अलविदा कहने का समय आ चुका है, वंदे भारत को भी अलविदा कहने का समय आ चुका है, क्योंकि हम पहुंच चुके हैं माता रानी के धाम। तो अब हम जा रहे हैं अपने रूम में, होटल में, और फिर चढ़ाई शुरू करेंगे, शिवपौड़ी जाएंगे, पटनी टॉप जाएंगे, काफ़ी जगह जाने वाले हैं हम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पर अगर आप आए थे पहले और सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। हम पूरे भारत में घूमते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी घुमाते हैं, दर्शन कराते हैं। तो आए थे चैनल पर पहली बार कर लेना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे ध्यान रखिए, आपसे अपना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय माता दी।